नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। अपने इस लोकप्रिय कार्यक्रम में हम रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आज हम मनोरोगियों के हित से जुड़े कानूनी प्रावधान की आपको जानकारी देंगे। मनोरोग को मानसिक विकार और दिमाग की बीमारी भी कहा जाता है। ये व्यक्ति के भावनाओं, व्यवहार, मूड और सोचने की क्षमता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। मनोरोग की वजह से धीरे धीरे दैनिक दिनचर्या पर असर पड़ता है और यहाँ तक कि एक दिन जिंदगी को ये बहुत बड़े पैमाने पर नियंत्रित करने लगता है। मनोरोग इतना खतरनाक हो सकता है कि ये जानलेवा तक भी साबित हो सकता है। मनोरोग को मेंटल डिसऑर्डर भी कहा जाता है। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसके बिना जीवन के सभी कार्य प्रभावित होते हैं। जब मनोरोग गंभीर हालत में पहुंच जाता है तब उसे मानसिक अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। सरकार ने 1987 में मेंटल हेल्थ एक्ट लाया था जो कि मनोरोगियों के इलाज और हित से जुड़े तमाम पहलुओं की कानूनी प्रावधान के तहत निश्चित करता है। ये एक्ट मनोरोगियों के मानवाधिकार की भी रक्षा करता है। तो ये थी कुछ बुनियादी जानकारी। ज्यादा जानकारी देंगे हमारे कानूनी विशेषज्ञ परमानंद पांडे जी। सर, स्वागत आपका। तो अगर आप इस विषय पर कोई भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप भी सवाल पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और राय ले सकते हैं इस विषय पर। फोन लाइन्स खुल चुकी हैं और दो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। मनोरोगियों के हित से जुड़े कानून को लेकर अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें इन दोनों नंबर पर कॉल करें। नंबर हैं 0120-6127-937 और 0120-6127-938। सर, सबसे पहले तो तमाम दर्शकों को ये समझाइए कि कानूनी तौर पर मानसिक रोगी किसे कहते हैं। रेशु जी, आपने काफी विस्तार से इस बात को बता दिया है कि मानसिक रोगी किसे कहते हैं। आदमी के आचार में, आदमी के व्यवहार में, उसके चाल चलन में ये सब अगर बहुत ज्यादा परिवर्तन दिखाई दे जो सामान्य से अलग हो तो निश्चित तौर पर उसमें लगता है कि कहीं ना कहीं मानसिक खराबी है, मानसिक रूप से बीमारी है। एक चीज ये भी बताएं कि पूरी दुनिया में लेकर के इस चीज को एक बात है, शारीरिक रोगी को शरीर से संबंधित कोई भी रोग हो उसके बारे में तो लोग सीधे अस्पताल में पहुंच जाते हैं, लेकिन मानसिक रोग को छिपाने की प्रवृत्ति पूरी दुनिया में हर जगह पर है, भारत में भी है। इस चीज को लेकर के कि वो छिपाते हैं इस चीज को कि हमको, क्योंकि मानसिक रोग एक स्टिग्मा की तरह से जुड़ जाता है और आदमी को अगर कोई कह दे कि ये पागल हो गया है, ये आदमी इंसेन हो गया है तो निश्चित रूप से उसके साथ एक दाग लग जाता है, एक धब्बा लग जाता है। लेकिन अगर व्यक्ति के व्यवहार में अचानक कोई ऐसा परिवर्तन आए कि वो लगने लगे कि अरे ये तो गलत व्यवहार कर रहा है और ये सामान्य व्यवहार नहीं है तो ये आप इसको मान के चलिए कि ये मानसिक रोगी है। व्यक्ति मानसिक रूप से कहीं ना कहीं परेशानी में है। दुनिया के तमाम देशों में मानसिक रोगों के लिए साइकेट्रिस्ट अपॉइंट किए जाते हैं। अब तो हिंदुस्तान में भी, भारत में भी बहुत जगह साइकेट्रिस्ट अपॉइंट किए जाते हैं जो इस चीज की जांच पड़ताल करते हैं और लोगों के व्यवहार को देखते हैं कि किस ढंग का व्यवहार होता है। अब चलते चलते मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी के साथ मारपीट करने लगा, लड़ाई करने लगा और इस ढंग का व्यवहार करने लगा जो कि लगता हो कि अरे ये क्या व्यवहार करने लगा है ये व्यक्ति, तो वह इसको मान के चलना चाहिए ये मानसिक रोगी है और मानसिक रूप से कहीं न कहीं एक तरह से विक्षिप्त व्यक्ति है। इस व्यक्ति को अस्पताल में दिखाया जाना चाहिए। इसी यही मानसिक परिभाषा MHA को, जिसके बारे में आपने कहा कि मेंटल हेल्थ एक्ट जो हुआ है ये इसी चीज को परिभाषित करता है कि व्यक्ति के आहार विहार को देख करके, उसके आचार और शिष्टाचार को देख करके ही पता लगाया जा सके कि ये सामान्य से इतर है या सामान्य जैसा है। अगर सामान्य जैसा है तो ठीक है, सामान्य से इतर है तो उसको मेंटल हेल्थ एक्ट के तहत किसी अस्पताल में ले जाइए और उसको दिखाइए। अब तो जगह जगह पर अलग से मेंटल हॉस्पिटल बन चुके हैं, वहां पर दिखाया जाता है। जैसे
अब पहले तो ये था कि कहीं रांची में भर्ती हो गए, कहीं आगरा में भर्ती हो गए। आगरा में वो मेंटल हॉस्पिटल के बीच में उनके साथ दवाई नहीं की जाती थी, उनको बांध के रखा जाता था जिससे ये कहीं बिगड़ने न पाए, कोई ऐसी चीज न करने लगाए जिससे लगे कि समाज को एक तरह से शासन आ जाए, लोगों में इस कानून व्यवस्था की स्थिति गड़बड़ हो जाए, किसी को मारपीट न दे। कई बार आपने देखा होगा, अभी ये दिल्ली में कुछ साल पहले ही, 2 साल पहले की स्थिति है, एक व्यक्ति पूरे परिवार को, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, अपने माँ बाप को, सबको मार डाला, 7-8 लोगों की हत्या करने के बाद खुद अपने जहर खा करके और मर गया। ये यही बुराड़ी में घटना हुई थी, दिल्ली के बुराड़ी में। ये मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति था जिसने इस चीज को किया था, लेकिन उसको दिखाया जाना चाहिए था, पहले ही इसकी अगर चिकित्सा की गई होती तो निश्चित रूप से इस चीज से बचा जा सकता था। इसलिए यह सामान्य बात है कि अगर व्यक्ति के व्यवहार में, खाने पीने में, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो इतना खाना खाने लगा है कि जिसको लगता है कि अरे देख करके कोई आश्चर्य करने लगा कि कितना खा रहा है। आप देखिए कि कई लड़कियों को देख करके कुछ लोग ऐसे व्यवहार करने लगते हैं कि जैसे पागलपन की हद तक व्यवहार करने लगते हैं, तो इसी को कहते हैं कि यह एक ऐसा व्यवहार है जो अपवाद स्वरूप आ जाता है, एक्सेप्शनल बिहेवियर होता है। ऐसे लोगों को मानसिक हेल्थ एक्ट के अंतर्गत रखा गया है और यही मानसिक परिभाषा है इसकी, जो मानसिक जो बीमारी है उसकी, मेंटल डिसऑर्डर है, उसको इसी के अंतर्गत रखा गया है। जी सर, ये भी समझाएं, भारत सरकार और राज्य सरकार मानसिक रोगियों को कौन कौन सी सुविधाएं देती है? देखिए, भारत सरकार और राज्य सरकार, अब तो पूरे भारत में कुल 43-44 हॉस्पिटल हो चुके हैं जो कि भारत सरकार इनको सुविधा प्रदान करती है। वहां जाने के बाद उसकी बाकायदा जांच होती है, 72 घंटे के ऑब्जर्वेशन में उस व्यक्ति को रखा जाता है और 72 घंटे के ऑब्जर्वेशन के बाद अगर वह व्यक्ति में पाया गया कि निश्चित इसमें कुछ लग रहा है कि मानसिक रूप से परेशान है, कोई कई कई बार कई चीज मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है, डिप्रेशन में अंदर चला जाता है, मूड स्विंग्स होते हैं, कोई चीज सोचते सोचते कभी मूड अप हो गया, कभी मूड डाउन हो गया, कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो सिजोफ्रेनिक हो जाते हैं। सिजोफ्रेनिया का मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो थोड़ी देर के लिए तो ठीक रहेगा, थोड़ी देर के लिए वो एकदम ऐसा लगेगा कि क्या लोग देख करके अचंभा करने लगेंगे। जब इस चीज को पता चलने लगता है तो ये भारत सरकार या राज्य सरकारों द्वारा स्थापित मेंटल एसाइलम जितने हैं या मेंटल हॉस्पिटल जहां पर रखे गए हैं, वह मेंटल एसाइलम के साथ मेंटल हॉस्पिटल भी बना दिए गए हैं, वहां पर ले जाएं और उनको दिखाएं। 72 घंटे के ऑब्जर्वेशन के बाद वो बता देते हैं कि ये रेगुलर कोई कोई दवाई खाने से आदमी ठीक रहेगा या इसको हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ेगा जहां इसकी गहन चिकित्सा की जाएगी। ये सुविधाएं राज्य सरकारों द्वारा और भारत सरकार द्वारा मानसिक रोगियों के लिए प्रदान की गई। जी सर, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, स्टेट अथॉरिटी फॉर मेंटल हेल्थ सर्विस की स्थापना क्यों की जाती है और इसके साथ ही अथॉरिटी की क्या कुछ मुख्य भूमिका रहती है? देखिए, ये इसलिए इस अथॉरिटी की जाती है कि इसमें खास चीज ये होती है कि मेंटल हेल्थ जो स्टेट अथॉरिटी की जाती है मेंटल सर्विसेज के लिए, ये इसलिए की जाती है कि जिससे किसी भी मानसिक रूप से परेशान व्यक्ति को और बीमार व्यक्ति को कहीं और पर भटकना ना पड़े। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर के इसके अथॉरिटी की स्थापना करती हैं और इस स्थापना में उनको साइकियाट्रिस्ट प्रोवाइड, उनकी सुविधा प्रदान की जाती है कि साइकियाट्रिस्ट होंगे, जहां पर मेंटल डॉक्टर्स होंगे। सबसे ज्यादा पहले तो ये बात थी कि जो मेडिकल कॉलेजेस में जो पढ़ाई अभी तक होती रही है वो साइकियाट्रिस्ट की पढ़ाई कम होती रही है, अब तो रेगुलर उनके यहाँ रख दिया गया, MBBS का कोर्स में रख दिया गया कि अब आपको साइकियाट्रिस्ट का एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। तो ये मेंटल सर्विसेज अथॉरिटी जो बनाई जाती है ये इसी एक्ट के तहत प्रदान बताई गई है और इस एक्ट का काम है कि उस चीज को देखे और उनको ले जाए और जो व्यक्ति इस ढंग का जरा सा भी असर में पड़ रहा हो, उसके मूड स्विंग्स कर रहे हों, उसका ऐसा लगता है कि इम्बैलेंस हो गया, रात रात भर वो सो नहीं पाता, कई कई दिनों तक
किन्हीं कारणों से वो डिप्रेशन का शिकार हो गया है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को सहायता प्रदान करने के लिए ही इस अथॉरिटी का गठन किया गया है जो हर राज्य में है। जी सर, ये भी बताएं कि मानसिक अस्पताल में भर्ती होने को लेकर भी कुछ नियम होंगे, ये नियम क्या कुछ हैं? देखिए, दो तरह की भर्ती होती है। एक तो वॉलंटरी भर्ती होती है, माने जैसे मुझे खुद लगने लगे कि मैं क्यों नहीं सो पा रहा हूँ, मेरे खाने की प्रवृत्ति क्या बढ़ गई है, मैं किस चीज से एकदम डाउन सिंड्रोम में चल रहा हूँ, मुझे कोई काम करने का मन नहीं कर रहा है। तो अगर मान लीजिए परिवार से कुछ सहायता मिल गई है, परिवार के लोग हैं अच्छे ढंग से हैं, तो वो ले जा करके मुझे दिखाएंगे और दिखा करके और वो डॉक्टर की सलाह पर उसका काम करेंगे। एक तो ये वॉलेंटरी भर्ती हो गई। लेकिन एक होता है कि ऐसा व्यक्ति जो मारपीट, उछल कूद, दुनिया भर के लोगों को और समस्या पैदा कर देता है। अब आपको हम बताएं कि अभी अखबारों में आपने पढ़ा होगा, एक लड़की थी, वो थोड़ा सा मानसिक रूप से विक्षिप्त थी। इसका देखिए, ऐसे लोगों का ये समाज में अपराधी प्रवृत्ति के लोगों की कमी नहीं है। उस लड़की का उन्होंने यौन शोषण किया और यौन शोषण करने के बाद वो लड़की गर्भवती हो गई। गर्भवती होने के बाद आप सबसे समझ सकती हैं कि उस लड़की की देखभाल करने के लिए कोई नहीं रह गया और वो जो बच्चा पैदा हुआ वो भी मर गया और वो लड़की भी मर गई, क्योंकि ऐसी स्थिति में कोई देखभाल कर। तो जब ये नौबत आ जाए कि कोई भी व्यक्ति जो इस ढंग का व्यवहार करने लगता है और जब उसके मानव जो मानवाधिकार है उनका उल्लंघन होने लगता है, तो ऐसी स्थिति में केवल आप अस्पताल में ही भर्ती करा सकते हैं। भर्ती कराने से ही इसकी दवा हो सकती है। तो वॉलेंटरी नहीं, एक तो इस व्यक्ति को समाज के लोग, पुलिस के लोग, परिवार के लोग उसको ले जाकर के भर्ती कराते हैं और भर्ती कराने के बाद वहां पर उसकी चिकित्सा होती है। तो वॉलेंटरी भर्ती एक हो गई, जो व्यक्ति खुद सोचता है कि कहीं हमारे अंदर कोई परिवर्तन हो रहा है, चलें इसकी जांच करा लें और देख लें तो ठीक है। कई बार आप देखते होंगे कि कई जगह कोचिंग इंस्टीट्यूट में लड़के लड़कियां पढ़ते हैं और वो एग्जामिनेशन के प्रेशर में इतना आ जाते हैं इस तरह की वो सुसाइड कर लेते हैं। तो सुसाइडल टेंडेंसी जो होती है, आत्महत्या की प्रवृत्ति, ये भी एक मानसिक बीमारी है। ये कोई ऐसी छोटी मोटी चीज नहीं है कि जिसको लेकर के साधारण से आप नजरअंदाज कर जाए। कई व्यक्ति अगर वो टैकल नहीं कर पाता है समाज की समस्याओं से, उसको देह निभा नहीं पाता है, उसको ये लगने लगता है कि मैं समाज में इतना कमजोर हो चुका हूँ कि अब रहने लायक नहीं रह गई है मेरी स्थिति, मैं एग्जामिनेशन पास नहीं कर पा रहा हूँ, इस नाते मेरा जीवन दूभर हो गया है और मैं जीने लायक मेरी कोई स्थिति नहीं रह गई है, मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं रह गया है। ऐसी स्थिति में परिवार के लोग, समाज के लोग और भाई मित्र और यही लोग आते हैं साथ में, वो ले जाकर के अस्पताल में उसको दिखलाते हैं और दिखाने के बाद उसकी जांच होती है। तो दो तरह की भर्ती हुई, एक तो वॉलेंटरी भर्ती हुई जो खुद अपने से ले जा करके, और दूसरा यह कि स्थिति इतनी बिगड़ जाए कि परिवार के लोग या पुलिस के लोग या और कोई लोग ले जा करके उनको भर्ती कराए। सर, हमारे तमाम दर्शकों को ये भी बताएं कि मानसिक अस्पतालों को लाइसेंस कब मिलता है और कब उनका लाइसेंस रद्द हो सकता है? ये बात आपने बहुत अच्छे ढंग से अच्छी रखी कि मानसिक अस्पतालों को कोई ऐसा तो नहीं है कि लेकर के, देखिए ऐसी स्थिति हो गई है, अभी नहीं यही नहीं और देशों में लोग बाबाओं के पास चले जाते हैं, वो कहते हैं बाबा ने झाड़ फूंक कर दिया और वो मानसिक रूप से ठीक कर दिया उन्होंने। आप आए दिन देखते होंगे कि भीड़ इकट्ठा हो जाती है, अभी तो आपने हाथरस की घटना को देखा होगा कि लोग कहते हैं कि वो पानी नल से निकालते हैं और वो हैंडपंप से निकालते हैं और वो अमृत निकलता है और उससे सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। एक तरह का ये भी हो गया, इनको तो लाइसेंस नहीं दिया जा सकता है कि ये सारी बीमारी ठीक कर देंगे। तो इस नाते ये बीमारी को ठीक करने के लिए कम से कम ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि वो उसका पूरी तरह से ट्रेनिंग होनी चाहिए, वो व्यक्ति ट्रेंड होना चाहिए, वो उसके पास कोई डिग्री होनी चाहिए और वो कुछ बेसिक सुविधाएं रख रहा हो, तब जाकर के उसको लाइसेंस मिलता है। और ये वही मेंटल हेल्थ एक्ट के तहत ही उसको लाइसेंस मिलता है, मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 के तहत ही उस व्यक्ति को मिलता है। अन्यथा क्या करते हैं, देखिए कि कोई बाबा हो गया, कोई साध्वी हो गई, कहीं कुछ हो गया, वो कहते हैं कि आप आइए हमारे पास,
हम किसी की शादी नहीं हो रही है तो वहाँ शादी के लिए अपने लड़की को या लड़के को लेकर चले जाते हैं। कोई कहता है कि हम बहुत अच्छी सर्विस नहीं पा रहे हैं तो सर्विस के लिए नौकरी पर ले जाते हैं। बाबा हर चीज का निदान करता है। ये भी ऐसे लोग जो जाते हैं उनके पास निश्चित रूप से किसी न किसी मानसिक बीमारी से ग्रस्त होते हैं। ऐसे लोगों के लिए वो ध्यान में रखा जाना चाहिए कि वो ले जाएं और उनको अस्पताल में भर्ती कराएं। लेकिन अस्पताल में भर्ती कराने का क्या मतलब? भर्ती कराने का तात्पर्य यह है कि जहां पर कोई लाइसेंस मिला हुआ हो, जहां पर किसी की ट्रेनिंग हुई हो, जहां पर कोई MBBS हो, जहां पर कोई MBBS की डिग्री या साइकेट्रिस्ट हो, साइकेट्रिस्ट में वो होना चाहिए और डॉक्टर बनना होना चाहिए, तब जाकर के उसको माना जाएगा कि हॉस्पिटल का ये रिकग्निशन ले सकता है, इसको ऑथराइजेशन मिलेगा और जिस ऑथराइजेशन के बाद वो देख सकता है, उसकी जांच पड़ताल कर सकता है और कायदे से निदान करेगा, तभी जाकर के हो सकता है। वरना ऐसे तो नहीं किसी पे वो चला है और कोई ने कह दिया कि नहीं मुझे इल्हाम हो रहा है, मुझे ऐसा ज्ञान हो रहा है कि मैं वहां पर जा रहा हूँ और उसको वहां मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊँ। आस्था की बात अलग है, पूजा पाठ अलग बात हो जाती है, लेकिन किसी को यह कह देना कि हम पूरी तरह से ठीक कर देंगे और आप मेरे यहाँ आइए, चरण रज लीजिए, ये सब चीजें से ठीक हो जाएगा, ये निश्चित रूप से मानसिक बीमारी का लक्षण है। और जो लोग इसका दोहन करते हैं वो निश्चित रूप से स्वार्थी लोग होते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहना ही जरूरी है और ये सरकार जब लाइसेंस देती है तो इस चीज पर ध्यान रखती है कि ये किस तरह की सुविधा है और कैसी चिकित्सा ये करेंगे, किस ढंग से बीमारी का निदान करें। जी चलिए सर, आपने तमाम उदाहरण देकर भी यहाँ पर दर्शकों को समझाया है ताकि वो समझ जाएं इस विषय को भली भांति, और आपने हाथरस का उदाहरण भी इस दौरान लिया। सर आपसे ये भी समझना चाहेंगे यहाँ पर, क्योंकि मानसिक रोगियों को अस्पताल अगर ले जाते हैं तो उसमें छुट्टियाँ किन शर्तों पर मिलती हैं, उसके लिए क्या कुछ शर्तें होती हैं? जी देखिए, वॉलेंटरी जो भर्ती कराता है उसको तो ऑब्जर्वेशन के बाद वो कहते हैं कि आया है और चला जाएगा, क्योंकि वो व्यक्ति निश्चित रूप से इतना समर्थ होता है कि वो देख सकता है, जैसे कहते हैं हित अनहित पक्ष हो जाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना, तो एक तरह से मनुष्य के पास इतना एक समझदारी होती है कि वो चला जाए, व्यक्ति के पास समझदारी होती है। व्यक्ति का तात्पर्य स्त्री और पुरुष के पास इतनी समझदारी होती है कि मुझे कब परेशानी हो रही है मैं आपको दिखा दूं लेकर के डॉक्टर के पास। तो ऐसे लोगों को फिर छुट्टी के लिए कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ती है, वो 72 घंटे के ऑब्जर्वेशन के बाद देखते हैं और उनको आप जब चाहें तो आ सकते हैं अपने घर पर। लेकिन ऐसे लोग जो उत्पात मचाते रहते हैं कहीं पर, कोई ऐसे सिजोफ्रेनिया के शिकार हो गए हैं, कहीं पर जाकर के कुछ काट दिया, किसी के घर में आग लगा दी, किसी को मार डाला, किसी को मार दिया या किसी का खून खच्चर कर दिया, ऐसे व्यक्ति जब सफर करते हैं तो उनको अस्पताल में पुलिस की मदद से, परिवार की मदद से अगर उनको वहां पर भर्ती कराया जाता है तो डॉक्टर की देखभाल में उनको रखना पड़ता है। डॉक्टर ही जब कहता है कि नहीं अब इनका इनके अंदर काफी सुधार हो चुका है और थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन इनको किया जाएगा तो आप इनको ले जा सकते हैं, इन्हीं स्थितियों में इनको ले जाया जा सकता है। वो MH एक्ट जिसको कहते हैं मेंटल हेल्थ एक्ट के तहत ही उनको बाहर करने का अधिकार होता है, वो अधिकार डॉक्टर लोग ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। लेकिन अगर वॉलेंटरी कोई गया है, जो कोई जाता है, कई बार वो दिखा लेता है कि मुझे नींद नहीं आ रही है, बहुत परेशानी हो रही है, ऐसी स्थिति में वो जाते हैं, लोग दिखाते हैं, या कोई ऐसी परेशानी हो गई है उसको लेकर के दिक्कत में चले जाते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, ये व्यक्ति को छोड़ दिया जाना चाहिए और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इससे समाज को कोई संकट नहीं उत्पन्न होगा। जी सर, आज के विषय पर हमारे तमाम दर्शकों को इतनी अहम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हमारे विशेष कार्यक्रम लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।